सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम रेडमी शाओमी A1 मोबाइल का फैक्ट्री डेटा रिसेट कैसे करते हैं और इसकी सेटिंग कैसे डिलीट करते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग में आने के बाद में ये देखिए, यहाँ पे आपको बैकअप और रिसेट ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद में ये देखिए फैक्ट्री डेटा रिसेट, आपको इसे अगर आप चाहे तो आपका बैकअप ले सकते हैं। आप यहाँ से इसे बैकअप ऑन करके इसका बैकअप ले सकते हैं, और अगर आपको इसका डेटा डिलीट करना है तो आपको यहाँ से फैक्ट्री डेटा रिसेट पे क्लिक करना है। ये देखिए, फैक्ट्री डेटा रिसेट पे क्लिक करने के बाद में आपको बता रहा है कि दिस विल इरेज ऑल डेटा फ्रॉम योर फोन्स इंटरनल स्टोरेज इंक्लूडिंग योर गूगल अकाउंट, सिस्टम एप्स, डाउनलोड एप्स, म्यूजिक, फोटोज, यूजर डेटा। तो आपको इसे अगर डिलीट करना है तो आप इसे रिसेट फोन पे ओके कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे रिसेट फोन पे ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे ओके बोलते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इरेज एवरीथिंग, आपको यहाँ पे ओके बोलना है। और ये देखिए, ये आपका इरेजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों 4 से 5 मिनट का टाइम लेता है। देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट का टाइम लेने के बाद में अब हमारा मी A1 मोबाइल कम्प्लीटली फॉर्मेट हो चुका है और इसकी सेटिंग उसी तरीके से रीसेट हो चुकी है जिस तरीके से आप इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।